हेलो दोस्तों, वेलकम टू फ्री नौकरी डॉट इन। आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियोस में लेके आ गए हैं एक और नए अपडेट्स के बारे में, जो कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छी कंपनी है। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए पढ़ते हैं आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं IBM रिक्वायरमेंट के बारे में, जो कि बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छी MNC है। और ये जो पोस्ट के लिए हायर कर रही है, सिक्योरिटी एनालिस्ट के लिए कर रही है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखें, देख सकते हैं कंपनी नेम IBM, पोस्ट नेम इसका जो होने वाला सिक्योरिटी एनालिस्ट की होने वाली है, जॉब लोकेशन क्या है, अक्रॉस इंडिया मतलब पैन इंडिया में आपको जॉब मिलने वाला है। जितने भी इंडिया में लोकेशंस हैं इसके, आप लोगों की वर्किंग लोकेशन वहाँ पे मिल सकती है। बैच की बात करें तो ये मतलब फ्रेशर्स के लिए बेसिकली हायर कर रही है, तो आप लोग किसी भी बैच के हो प्लीज़ अप्लाई करो। सैलरी इसकी जो मेंशन है, लाइक 5 LPA तक की आपको सैलरी ये लोग प्रोवाइड करेंगे। आप अगर यू आर सेलेक्टेड, दे विल पे फॉर यू लाइक 5 LPA पर ईयर आपको देने वाले हैं लोग। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए, ठीक है। आपको एक्सेलेंट वर्बल एंड कम्युनिकेशन इंग्लिश लैंग्वेज में होनी चाहिए, मतलब आप लोग थोड़ा सही से इफेक्टिव मैनर में आप लोग बोल पाओ, अपने बात को समझा पाओ। अब आप देख लो कि अपनी इंटरव्यू चल रही है, आप सही से नहीं बोल पा रहे हो, तो ये चीज़ भी मैटर करता है, तो प्लीज़ आप लोग इस चीज़ का भी ध्यान रखो, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में देखते हैं एक बार, ठीक है। तो आपको मॉनिटर सिक्योरिटी इवेंट्स एंड इंसिडेंट्स में आपको देखना होगा कि क्या क्या मतलब इंसिडेंट हो पा रहे हैं, मतलब कोई चीज़ें तो नहीं आ रही, कोई सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई चीज़ नहीं आ रही, तो आपको सारी चीज़ों को हैंडल करना होगा। इसमें सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। एडमिनिस्ट्रेटर सिक्योरिटी टूल्स डिवाइस आपको एडमिनिस्ट्रेट करना पड़ेगा, सिक्योरिटी टूल्स वगैरह जो भी रहेंगे उसको, डिवाइस रहेंगे आपको ऑपरेट करना होगा, सिक्योरिटी डिवाइस जो भी होगा, तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं इस फॉर्म में, देखते हैं कि कैसे क्या है, अप्लाई कर सकते हैं आप लोग। प्लीज़ यहाँ पे डिस्क देख लेना डिस्क्रिप्शन। हम लोग अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं, तो जब आप क्लिक करोगे तो ऐसा पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा सिक्योरिटी एनालिस्ट का, अप्लाई नाउ। ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है यहाँ पे कि जॉब डिटेल्स के बारे में है, ये इंडिया में जॉब है, कंट्री जो होने वाला इंडिया का ही होने वाला है, स्टेट मल्टीपल स्टेट में आपको जॉब मिल सकता है, मल्टीपल सिटी में होगा जो वर्किंग लोकेशन इसका। कैटेगरी टेक्निकल स्पेशलिस्ट का होने वाला है, रिक्वायर्ड एजुकेशन बैचलर डिग्री होने वाला है। ये कोई मेंशन नहीं किया हुआ है कि BTech होना ही चाहिए या फिर कुछ भी, आप लोग अप्लाई कर सकते हो। और पोजीशंस टाइप जो है इसका इंट्री लेवल की होने वाला है, मतलब आप फ्रेशर्स हो, आपको कुछ नहीं आता है, मतलब इससे जो भी मतलब जिसके लिए हायर कर रही है रिक्वायरमेंट निकाला है तभी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। एम्प्लॉयमेंट टाइप का जो होने वाला है, ये फुल टाइम का रिक्वायरमेंट होने वाला है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट टाइप रेगुलर होने वाला है आपका, मतलब क्या आप रेगुलर जॉब करोगे, ठीक है। कंपनी यहाँ पे IBM इंडिया प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ है पूरा। ट्रेवल रिक्वायर्ड, आप मतलब मान लो कि आपका जॉब हो गया, ट्रेवल रिक्वायर्ड, आपको ट्रेवल करना पड़ेगा, ऐसा आपको मन में कभी कभी डाउट रहता है, तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंशनड है नो ट्रेवल, मतलब आपकी जो मतलब जो भी मेट्रोपोलिटन सिटी में आपकी जॉब होने वाली है या फिर जो भी जिस भी DC में आपकी जॉब होने वाली है, वो आप मतलब बहुत अच्छी जगह पे होगी, आपको ज़्यादा ट्रेवल की नीड नहीं होगी, आप लोग अच्छे से जा सकते हैं, मतलब इसके लिए कोई टेंशन नहीं है, आप नहीं लेना आपको, ठीक है। आप यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, अप्लाई नाउ पे क्लिक करके देखते हैं कैसा हो रहा है। जब आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा, तो ये लेट्स कनेक्ट टू IBM बोल रहा है, तो अगर आप करना चाहो तो करो, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है, फॉर्म का पार्ट नहीं है। जैसे कि आपको कभी कभी क्या होगा कि बहुत सारे अपॉर्चुनिटी होंगे तो वो लोग आपको मेल करते रहते हैं, ठीक है। ये टैलेंट कम्युनिटी में आपको ज्वाइन करने के लिए बोल रहे हैं लोग, ठीक है। तो कर लेना, ये भी ज्वाइन कर लेना यहाँ से, फिर अगर आप ऑलरेडी ज्वाइंड हो या फिर इंटरेस्टेड नहीं हो तो यहाँ पे नो थैंक्स करके कंटिन्यू टू अप्लाई करना, ठीक है। तो आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशनड है जो मैंने ऑलरेडी बताया आपको, देख सकते हैं आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,